नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका अपने चैनल बेली लाइफ सपोर्ट पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से इस नए टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा, आप अपने गाड़ी किसी भी वाहन को आप चलाते हैं और उसका जो प्रदूषण है उसे करवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है किसी वजह से धुल जाता है, खो जाता है या आप गुम हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है। तो दोस्तों आप आसानी से अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपने वाहन का पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आपसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि दोस्तों आप तक हमारे सभी वीडियो पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे तो करना चलिए है। दोस्तों मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटर डेस्कटॉप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च में टाइप करना है परिवहन। तो यहाँ पर आप परिवहन टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर इस प्रकार से पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर यहाँ पर आना है और आकर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम अपने परिवहन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपको आना है यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पर आपको आना है। ऑनलाइन सर्विस पर आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको मिलेगा PUCC, आपको यहाँ पर PUCC पर आकर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे आकर इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपने गाड़ी नंबर और अपना चेसिस नंबर डालकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे ओके करते हैं, इसे हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं। चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको आना है यहाँ पर, आपको मिलेगा PUC सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर आकर इसे क्लिक कर देना है। तो आकर मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ और जो हमारा सर्टिफिकेट है हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर आकर इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी जो बाइक होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो सबसे पहले आपको अपने बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम अपनी जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है सबसे पहले यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंटर कर लेता हूँ। जो भी दोस्तों आप वाहन हो, आपकी बाइक हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जो भी है आपको यहाँ पर एंटर करना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेसिस नंबर एंटर करना होगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर केवल 5 करेक्टर ही लास्ट के एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी बाइक के लास्ट के चेसिस नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा एक कैप्चा, आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर करना है। तो चलिए मैं इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर कर लेता हूँ, आपको भी इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा PUC डिटेल, तो आपको आकर यहाँ PUC डिटेल पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर PUC डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर मिल जाएगी और आपकी जो गाड़ी है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने पॉलिसी सॉरी जो भी आपने पॉलिश जो पोल्यूशन करवाया था, जो बीमा करवाया था, उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे मिलेगा प्रिंट बटन, आपको आकर प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पोल्यूशन है यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस प्रकार से अपने बाइक यानी कोई भी वाहन है उसका पोल्यूशन यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट आसानी से अपने बाइक या किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और आप उसके लास्ट के 5 डिजिट यानी 5 अंक डालकर अपना
पोल्यूशन सर्टिफिकेट आसानी से इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।